हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल डिस्कस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसके पोस्टुलेट्स भी हमने डिस्कस किए और देन ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, उनकी रेडियस क्या होगी, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा और उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन सब के फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। एक बार मैं वापस उनकी फॉर्मूले को लिख रहा हूं यहां पर। रेडियस का फॉर्मूला दोनों तरीके से आपको याद करना है, कोशिश करो। वेरिएबल्स की टर्म में रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए जेड ई स्क्वायर। और सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर हम जब हमने पुट की तो 0.529 एन स्टार एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये याद करने हैं आपको, 2.188 × 10⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी 2π² k² z² e^4 m / n² h² और वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये माइनस साइन के साथ −13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है, इससे आप पोटेंशियल एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ, ये सब तब है जब हमने इन्फाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी डिफाइन की जा सकती है यहां पर। फ्रीक्वेंसी वर्ड बहुत जगह यूज होता है, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, बट यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अराउंड, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, ये उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हुई। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन अगर वी स्पीड से मूव कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी, और एक राउंड कंप्लीट करने में उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 2πr, तो v अपॉन 2πr। v का फॉर्मूला ऑलरेडी है, r का फॉर्मूला है, वो यहां पर पुट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यही कि वो z और n से कैसे रिलेट हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो v की अगर हम बात करें तो v जो है यहां पर z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, z बाय n, और यहां से जेड ऊपर चला जाएगा और एन नीचे रह जाएगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। नाउ इसी तरह से एक और टर्म भी हम डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड, जो कि फ्रीक्वेंसी का जस्ट इनवर्स कह सकते हैं आप, कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वर्ड हमेशा यूज करें, 2πr अपॉन v, एक राउंड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी 2πr, स्पीड कितनी है v, तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 2πr अपॉन v। तो ये एक राउंड को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, इससे भी आप फ्रीक्वेंसी को सोच सकते हो कि एक राउंड को कंप्लीट करने में अगर इतना टाइम लग रहा है तो एक सेकंड में कितने राउंड होंगे, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी जस्ट इसका इनवर्स हो गया, तो ये एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड, अब यहां पर मेनली जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैलकुलेशन की होती है। कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब 2.188 है तो वही रहेगा, 13.6 है तो वही रहेगा, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर मेनली जो प्रॉब्लम्स आती है वो कैलकुलेशन की आती है। शीट सॉल्व करते वक्त भी ये लगता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन है, हाँ, बट
कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपको कोशिश करनी है। हाँ, और ये भी देखना कि किस तरह से कैलकुलेशंस को हम कम कर सकते हैं, इवन कुछ वैल्यूज याद रख के भी हम कैलकुलेशंस को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी बताया था, एच सी, एच मल्टीप्लाइड बाय सी, दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो इनकी एक वैल्यू हमने निकाली थी नियर बाय 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से कुछ डेटा अगर हम याद कर लें तो कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ पर कम की जा सकती है। जैसे स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें टोटल एनर्जी फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की, कभी हाइड्रोजन के लिए तो कभी हीलियम प्लस के लिए, तो चलिए एक बार इनकी एनर्जीज को निकालते हैं कि किस रेंज में किस तरह की वैल्यूज आती है। तो ये याद रखना है, मैंने वापस से फॉर्मूले लिखे हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, फॉर हाइड्रोजन और हीलियम प्लस n इक्वल टू 1, 2, 3 इन सब की टोटल एनर्जी निकालनी है, 3, 4 और 5 टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना दोनों के लिए। कहीं कहीं फॉर्मूला कही हाइड्रोजन के लिए Z1 n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 पुट करिए, फिर फॉर हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से n 1, 2, 3, 4, 5 करिए, दो डेसिमल प्लेस तक आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी, दो डेसिमल प्लेस तक। सिंपलेस्ट वन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन डिवाइडेड बाय 4, z तो 1 है, n की वैल्यू 2, डिवाइडेड बाय 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाइन से डिवाइड हो जाएगा -1.51, यहां पर 16 से डिवाइड होगा तब ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 1 से भी कम हो जाएगी, -0.85 और ये -0.5। हाँ, लेकिन हीलियम के केस में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज जो है ये तो ही है, लेकिन अब Z1 नहीं 2 है तो 4, जेड स्क्वायर 4, तो ये सारे डेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। -54.4, ये माइनस वापस से 13.6 ही आ जाएगा, 6.04 3.40 इसको करोगे तो -2.16 समथिंग। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये एनर्जी सेम है, ये एनर्जी भी सेम, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट लेवल की हीलियम प्लस के सेकंड लेवल से, हाइड्रोजन के सेकंड की हीलियम प्लस के फोर्थ से मैच करनी है।
लॉजिक क्या है? लॉजिक सीधी सी बात, जहां जहां जेड बाय एन की वैल्यू सेम होगी, हाइड्रोजन के लिए जेड बाय एन और हीलियम के लिए जेड बाय एन, जहां इनकी वैल्यू सेम होगी वो वैल्यू सेम आएगी। यानी कोई भी दो एटम है अगर उनके लिए जेड बाय एन की वैल्यू सेम है, जेड बाय एन वन जेड बाय एन टू वैल्यू सेम होगी। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यानी z जिस z2 अपॉन z, इसको ऐसे z2 अपॉन z1 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, यानी z जिस फैक्टर से बढ़ रहा है अगर उसी फैक्टर से n इंक्रीज हो जाए तो रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। तो हाइड्रोजन से हीलियम में z किस फैक्टर से बढ़ गया? 2 के फैक्टर से। तो z 2 के फैक्टर से बढ़ गया, तो अगर n भी 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा तो एनर्जी वही रहेगी। तो हाइड्रोजन के लिए n1, तो हीलियम प्लस के लिए N2 हो गया। हाइड्रोजन का N2, तो हीलियम प्लस का N4 हो गया। हाइड्रोजन के लिए थर्ड लेवल की एनर्जी हीलियम के सिक्स लेवल से मैच करेगी, हाइड्रोजन के फोर्थ लेवल की एनर्जी हीलियम प्लस के एट्थ लेवल से मैच करेगी। यही अगर आपको हाइड्रोजन को लिथियम प्लस टू से कनेक्ट करना है तो Z कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? थ्री टाइम्स। तो N भी कितने टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए? थ्री टाइम्स। यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट लेवल की एनर्जी लिथियम प्लस 2 के थर्ड से मैच करेगी, सेकंड की 6 से मैच करेगी, थर्ड की 9 से मैच करेगी, 4 की 12 से मैच करेगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे वैल्यूज याद रख सकते हो। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाइड्रोजन के में कोई इलेक्ट्रॉन लेट्स से 4 से 2 में जंप कर रहा है, 4 से 2 में जंप कर रहा है, तो बताओ उतनी एनर्जी एमिट करवाने के लिए हीलियम प्लस का लेते हैं, हाइड्रोजन में 4 से 2 जंप कर रहा है तो उतनी एनर्जी कब एमिट होगी अगर हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा? तो हाइड्रोजन में 2 से 4, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हीलियम प्लस में क्या होगा? 4, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8, तो वो हीलियम प्लस का क्या हो जाएगा? 8 टू 4। सोचना थोड़ा सा जो मैंने बोला, एन को डबल कर दो, जेड जैसे डबल हो रहा है एन को भी डबल कर दोगे तो एनर्जी जो है वो वही रहेगी। ये एक पॉइंट याद रखना, इसके फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की फोर्थ, थर्ड की सिक्स, फोर्थ की एट, इस तरह से ये मैच कर जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी मैं आपसे कहूंगा हाइड्रोजन के लिए स्पेशली ये सारे डेटा तो याद ही रखने आपको, 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। फर्दर यहां पर आप कह सकते हो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, माइनस है वो, इसलिए एनर्जी बढ़ रही है। जैसा हमने कहा था जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है। हाँ, लेकिन अगर हम यहां पर एनर्जी के डिफरेंस को चेक करें, एनर्जी के डिफरेंस को अगर हम चेक करें तो इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.89। यहां से यहां पर अच्छा खासा एनर्जी का डिफरेंस है, उसके बाद एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है, फिर एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है, फिर एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। इनफैक्ट आप इसका और इसका एनर्जी का डिफरेंस भी लोगे तो वो भी डेफिनेटली 3.4 माइनस 0.51, तो वो भी कम ही होगा एज कंपेयर टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट जैसे सेकंड लेवल पर आप जाते हो तो एनर्जी, क्योंकि N1 की वैल्यू 1 से 4 होगी तो 75% तो वहीं पर कम हो जाती है, 75% कम हो जाती है। तो फर्स्ट से सेकंड पर अगर आप आ रहे हो तो अच्छी खासी एनर्जी एमिट होगी, सेकंड से थर्ड उतनी नहीं होगी, थर्ड से फोर्थ और कम होगी। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के एनर्जीज का डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, एनर्जीज के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। यानी आप इसे यू पुट कर सकते हो, 2 से 1, 1 से 2 का डिफरेंस, या व्हाटएवर 2 से 1 का डिफरेंस जो है वो 3 से 2 के डिफरेंस से ज्यादा होगा, और 3 से 2 का डिफरेंस 4 से 3 से ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे ये जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पर एक पॉइंट में और बता दूं, टोटल एनर्जी व्हेन एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जब एन इनफाइनाइट होगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अब एन इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ? एन इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ? तो यस, आप कह सकते हो कि बहुत दूर, बहुत इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट ही होता है ऐसे तो आप देखा जाए तो। हाँ, लेकिन इसको अब ऐसे भी एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर तो ये 0 है ही है, लेकिन अगर एन की वैल्यू अगर आप बहुत ज्यादा भी कर दोगे तब भी इस टोटल एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। यानी एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चला गया, क्योंकि अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा।
तो अगर n इन्फिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब एटम के बाहर है, वो एक एटम के बाहर, हाँ आइडियली तो वो इन्फाइनाइट एग्जैक्टली जीरो की बात करें तब तो वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर ही होना चाहिए। हाँ लेकिन आयन की वैल्यू अगर मैं कह दूं यहाँ पर लेट से 100 भी हो गई तो भी फिर टोटल एनर्जी बहुत कम हो जाती, तो आप उसे भी मान सकते हो कि वो भी एटम के बाहर ही है। तो टोटल एनर्जी एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन इज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज आउट ऑफ एटम। जब भी आउट ऑफ एटम की बात हो n इक्वल्स टू हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी यहां पुट कर देंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी पर बेस। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत कम थी। What will be the radius and speed of an electron in first orbit of hydrogen atom if mass of electron is the मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, रेडियस और स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, होगा कुछ? यस, एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए उसके लिए। अभी जस्ट मैंने लिखा ही था रेडियस का एक्सप्रेशन फॉर एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एन, एन यहां डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो एम डबल हो गया तो रेडियस हाफ हो जाएगी, तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0.529 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टर आ जाएगा एन स्क्वायर बाय जेड, तो हाइड्रोजन है और फर्स्ट ऑर्बिट के, तो 0.529 एंड व्हाट अबाउट स्पीड, 2πkZe²/nh, इसमें एन की एम की कोई टर्म वैसे ही नहीं आती तो नो चेंज, 188 × 10⁶ वही रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी if charge on electron and proton are double, electron और proton पर charge को double कर दिया तो total energy पर क्या effect पड़ेगा, ये total energy एक्सप्रेशन ही लिख दो, यस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग −2πx²a²z²e⁴n/n²h², इसको डबल कर दिया तो 2 की पावर 4 का फैक्टर आ जाएगा विच इज 16, यानी आंसर विल बी −13.6 × 16, 16 times increase हो जाएगी।
कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थ्री टू वन इन हाइड्रोजन एटम फोर टू वन अब जैसा मैंने फॉर्मूले से बताया था, फॉर्मूला चाहो तो वो भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटॉन ई हायर माइनस ई लोअर, फोटॉन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, ई हायर माइनस लोअर तो माइनस साइन, एनर्जी माइनस में आती तो ये माइनस हो जाएगा हायर वाला और लोअर वाला प्लस, तो 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर सकते हो 3 से 1 z की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है जो भी है पुट कर दो। योर वन मोर थिंग, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और यहां पर भी आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो, लैम्डा तो 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे लैम्डा डायरेक्ट किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में। या तो इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, या दूसरा आपको लग रहा नहीं है आपको तो 3 से 1 की एनर्जी का डिफरेंस वैसे ही पता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट भी किया था हाइड्रोजन में, फर्स्ट लेवल की एनर्जी माइनस 13.6, थर्ड लेवल की एनर्जी माइनस 1.51, तो 3 से 1 का जो डिफरेंस है, जस्ट अभी हमने देखा 3 से 1 का जो डिफरेंस है, 3 की एनर्जी सॉरी 1 की एनर्जी माइनस 13.6, 3 की एनर्जी 1.51, तो ये डिफरेंस आ गया 12.09, यानी इतनी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एमिट होगा। तो आप ये मत यूज करो डायरेक्ट, आपको फोटोन की एनर्जी पता चल गई 12.09, तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्डा 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, एनर्जी पता है लैम्डा निकालना है, तो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 12.09, ये वैल्यू आ जाएगी 102.5 नैनोमीटर। उसी तरह से 4 से 1 की एनर्जी, अभी हमने देखा था 4 वाली एनर्जी तो माइनस 3.4 हो जाएगी हीलियम प्लस में, फोर्थ लेवल की एनर्जी 3.1, फर्स्ट लेवल की एनर्जी 54.4, तो फॉर हीलियम प्लस 4 से 1 फोर्थ की एनर्जी माइनस 3.4, 1 की एनर्जी माइनस 54.4, तो दोनों का डिफरेंस। अब यू आर इसको 51 से डिवाइड कर दो
सेकंड पार्ट के 51 से, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1240 अपॉन 51 नैनो मीटर 24.3। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजीली कर सकते हो। तो हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है हायर से लोअर में तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पर भी आ सकते हैं, वेव नंबर पर भी आ सकते हैं, तो वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बोहर इक्वेशन है इससे तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर से लोअर में आएगा जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और लोअर से हायर में जा रहा है तो किस वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे आप एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले स्पेक्ट्रम में बताया था कि कोई भी एटम जिन वेवलेंथ वाले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है उन्हीं को ही वापस वो एमिट करता है। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, तो हर एक एलिमेंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी को ही एमिट कर सकते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी वाले फोटॉन्स को ही एमिट कर सकते हैं, यानी वेवलेंथ की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही वहां पर हो सकती है। एक तरह से इसे ही आप कह सकते हो, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को क्वांटाइज्ड कर दिया। तो यहां पर लेकिन साइमल्टेनियसली, ये तो बोहर मॉडल था, एक और साइंटिस्ट कह सकते हो या एक स्टूडेंट था रिडबर्ग के लिए माना जाता था कि उसकी जो मैथमेटिक्स है ना वो बहुत स्ट्रांग थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो स्पीड थी वो बहुत जबरदस्त थी। तो रिडबर्ग के पास बहुत सारा डेटा था, स्पेक्ट्रम का डेटा था। स्पेक्ट्रम का डेटा क्या था कि हाइड्रोजन का अगर हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो इन वेवलेंथ वाले फोटॉन्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, हीलियम प्लस में ये वेवलेंथ वाले फोटॉन्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो रिडबर्ग को कहा कि यार ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव करो जो इन डेटा को सेटिस्फाई करे, यानी ऐसा कोई फॉर्मूला डिराइव करो जो इन डेटा को सेटिस्फाई करे। कोई थ्योरी नहीं थी रिडबर्ग के पास, कोई आइडिया नहीं था, कोई बोहर मॉडल का आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे तो फोटोन एमिट करेंगे, इसका कुछ भी आइडिया नहीं कि क्यों फोटॉन्स एमिट होते हैं, इसका भी कोई आइडिया उसे नहीं था। बस उसके पास डेटा थे और कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करना था जिसमें वो जिनको वो डेटा सेटिस्फाई कर सके। तो रिडबर्ग ने क्या किया, हीट एंड ट्रायल किया ऑब्वियसली बात, और एक इक्वेशन डिराइव की जिसे कहा जाता रिडबर्ग इक्वेशन, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह की थी। वो जो रिडबर्ग इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की थी, जहां पर दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे कहा जाता रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की गई। इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि रफली अगर आप 1/RH लिखो, क्योंकि अभी ज्यादातर हमें लैम्डा निकालना है तो इसका इनवर्स करना होता है, तो इसको मैं 1/λ की टर्म्स में लिखूं, 1/RH की टर्म्स में, तो ये नियर बाय एग्जैक्टली तो नहीं बट नियर बाय 912 एंगस्ट्रोम। तो ये ज्यादा यूज करेंगे हम 912 एंगस्ट्रोम। अब आप सोचो ये जो नंबर आया ना ये किसी से डिराइव नहीं हुआ है, ये हीट एंड ट्रायल से है। आप सोचो कि फॉर्मेट ये होना चाहिए n1² n2² 1/2 में होना चाहिए, इसका कोई आइडिया नहीं था। सोचो उससे पहले रिडबर्ग ने कितने सारे डेटा ट्राई किए होंगे, इस नंबर तक पहुंचने से पहले कितनी सारी कैलकुलेशन की होगी, तो अच्छा खासा यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट था। अब एट द एंड अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो तो लगता है कि दोनों सिमिलर टाइप ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, बस ये कि डेटा पुट करो, वेवलेंथ निकालो और ये वेवलेंथ जो है उसको सेटिस्फाई करेगी। और रिडबर्ग ने यही कहा कि जो n1 n2 है इनकी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4, और n2 विल बी ग्रेटर देन n1। तो यस, यहां पर अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इससे भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप कर रहा है, आप वेवलेंथ निकालिए, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो।
अगेन लेकिन मैं बता दूं एग्जैक्टली आंसर दोनों से सेम नहीं आएगा क्योंकि थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन दोनों में है। जैसे यहाँ पर हम 912 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर भी 1240 यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं है, तो डिफरेंस आ सकता है। यानी मान लीजिए यहाँ से वेवलेंथ निकाली 3030 आया, यहाँ से निकाली हो सकता है 3015 आए, फिर 3010 आए, तो वो डिफरेंस आ सकता है, कैलकुलेशन का डिफरेंस है। एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में अगर चार ऑप्शन सामने तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्योंकि वो ऑप्शंस जो होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है, तो वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ओके, देन यहां पर अभी हम इनको यूज भी करेंगे, फॉर्मूले को यूज भी करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक दो टर्म्स और भी है वो मैं यहां पर बताना चाहता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके होंगे आप, ये टर्म पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी बहुत आती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी भी आप इसे बोल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी ऑब्लिक बाइंडिंग एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हो, एटम को आयनाइज करना चाहते हैं, मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यानी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही बात करें तो ग्राउंड स्टेट से हम सोचते हैं, तो एन वन तो हो गया वन, बाहर निकालना है तो एन टू कितना हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी जीरो, तो एनर्जी का चेंज क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हायर माइनस टोटल एनर्जी लोअर, हायर की एनर्जी जीरो माइनस लोअर की प्लस 13.6 जेड स्क्वायर आ जाएगा अपॉन, वैसे चाहो तो एन स्क्वायर, तो चेंज इन टोटल एनर्जी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसी को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि कितनी हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और कुछ भी नहीं गिवन है तो आयनाइजेशन मतलब हम ग्राउंड स्टेट से ही मानते हैं, ग्राउंड स्टेट से ही हम आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट तो ये हो जाएगा 13.6। इसी को अब सेपरेशन एनर्जी भी बोल सकते हो क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को एटम से सेपरेट कर दिया, और बाइंडिंग एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोला जाता है कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, क्योंकि एटम के अंदर उसकी एनर्जी नेगेटिव में है यानी कम है, उसे अगर बाहर निकलना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर, तो यही वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाउंड किए हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सिस्टम जो होता है पार्टिकल होता है वो लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों एटम के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, बाहर उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अगर आपको उसे अंदर से बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी आयनेशन एनर्जी के बराबर, या एक तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, तो जित वापस आप बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर आ जाएगा, तो आयनेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, इन सबका मतलब एक ही, विच इज 13.6 जेड स्क्वायर, यहां पर हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हम बाहर निकाल रहे, देन यहीं पर एक टर्म और आ जाती है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम बाहर नहीं निकाल रहे, इलेक्ट्रॉन को हम हायर लेवल में ले जा रहे हैं, तो एक्साइटेशन एनर्जी, अब एक्साइटेशन तो कुछ भी हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो एनर्जी कितनी चाहिए 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू। हाँ, यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन वन से किस में जा रहा है, टू में,
सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, ये वन से ही सोचते तो वन से कितने जा रहा है, थर्ड। इवन यहां पर मैं लिख दूं एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू, इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, एन इक्वल्स टू थ्री सेकेंड एक्साइटेड लेवल। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पर पूछा जाता है फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड लेवल, सेकेंड एक्साइटेड लेवल मतलब एन इक्वल्स टू थ्री, थर्ड एक्साइटेड लेवल मतलब एन इक्वल्स टू फोर, थर्ड एनर्जी लेवल और थर्ड एक्साइटेड लेवल में डिफरेंस है, थर्ड एनर्जी लेवल एन इक्वल्स टू थ्री, थर्ड एक्साइटेड लेवल एन इक्वल्स टू फोर, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं, जो आपको मैंने बताया था इनिशियली कि बहुत मॉडल जो एक्सेप्ट किया गया उसके पीछे सबसे बड़ा जो सपोर्ट था वो स्पेक्ट्रम था। बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, कह सकते हो एक्सप्लेन करने का मतलब थियोरेटिकली रिजल्ट्स निकाले और उनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करवाया, तो काफी हद तक ये रिजल्ट्स मैच कर रहे थे। तो बोहर मॉडल के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था वो स्पेक्ट्रम ही था। तो क्या है स्पेक्ट्रम, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझते हैं। तो हेडिंग डाल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, प्रिज्म उन्हें क्या करता है स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्स कर लेता है, और वो जो पैटर्न दिखता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो लाइट एमिट हो रही है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ वाले रेडिएशन प्रेजेंट है। अब यहां पर क्यों लाइट एमिट होती, पहले तो अगर हम ये सोचें कोई भी एटम लाइट एमिट कर रहा है मतलब फोटोन अगर वो एमिट कर रहा है कैसे कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो अब अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो फोटोन एमिट करेगा मतलब लाइट एमिट करेगा मतलब रेडिएशन एमिट करेगा। तो यहां पर अब हम इन रेडिएशन को भी कुछ पहले कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। एन इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू टू, अच्छा n इक्वल्स टू वन को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू वन, n इक्वल्स टू थ्री, n इक्वल्स टू फोर, n इक्वल्स टू फाइव। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से फर्स्ट में जंप कर सकता है, टू से वन में जंप कर सकता है, थ्री से वन में जंप कर सकता है, फोर से भी कर सकता है, फाइव से भी कर सकता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से अगर वो फर्स्ट में जंप कर रहा है तो वो जो रेडिएशंस निकलेंगे, रेडिएशंस जो निकलेंगे उन रेडिएशंस को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो हमें प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद क्या दिखेगी, ब्राइट लाइंस दिखेगी, लाइंस दिखेगी आपको कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो लाइंस, अब यहां पर क्या होगा, रेडिएशन और लाइंस ये दो वर्ड एक ही सेस है, मैं रेडिएशन बोलता हूं या लाइंस बोलता हूं मीनिंग एक ही है, बिकॉज रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग ही आपको क्या दिखेगी, लाइंस दिखेगी। तो यहां पर ऐसा भी होगा कि मैं इस तरह की लैंग्वेज बोलूंगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइन, लाइन की वेवलेंथ, थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में बट लाइन की वेवलेंथ मतलब फोटोन की वेवलेंथ मतलब रेडिएशन की वेवलेंथ है। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन जो आपको दिख रही है वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन के कारण है, तो लाइन की वेवलेंथ मतलब रेडिएशन की वेवलेंथ। तो ये जो जंप हो रहे हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग हर एक जंप के में एक अलग फोटोन एमिट होगा, टू से वन में फोटोन अलग होगा, थ्री से वन में अलग होगा, फोर से वन में अलग होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहां कंटेनर में दो लाइंस तो टू से, यानी जो कंटेनर उसमें पांच या दस एटम्स नहीं होते, जो कंटेनर होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हो या हीलियम प्लस या जो भी हो, बहुत सारे एटम्स होते हैं। आप कह सकते हो थोड़ा भी सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ एटम्स तो 10^12, 15, 20 इस रेंज में होंगे। तो अब बहुत सारे एटम्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है टू से वन में आए, बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन थ्री से वन में आए, ऑलरेडी वो हायर स्टेट में, यू मान के चलना कैसे हायर स्टेट में गए, तो हमने उनको हीटअप किया जिसके कारण वो हायर स्टेट में चले गए, अब वो वापस लोअर स्टेट में आ रहे। बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फाइव से वन में आएगा, बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फोर से वन में आएगा। तो अब जब बहुत सारे ऐसे रेडिएशन निकलेंगे जिनकी एनर्जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी,
बहुत सारे ऐसे रेडिएशन होंगे जिनकी एनर्जी इस लाइन के इस जंप के कोरस्पॉन्डिंग होगी, बहुत सारे ऐसे रेडिएशन होंगे जिनकी एनर्जी इस जंप के कोरस्पॉन्डिंग होगी, और हर एक की एनर्जी अलग अलग है, हर एक जंप में जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी अलग अलग है, तो उसकी लाइन भी अलग अलग दिखेगी। तो ये जो लाइन हमें दिख रही है इन्हें हम कहते हैं लाइमन सीरीज रेडिएशन, लाइमन सीरीज। यानी ये लाइंस किसको बिलोंग कर रही है? लाइमन सीरीज को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से टू में जंप कर रहा है तो इसे कहा जाता है बामर सीरीज। ये जो लाइंस है या जो रेडिएशन है इन्हें कहा जाता है बामर सीरीज। देन अगर हायर से थ्री में जंप कर रहा है तो पास्टन, हायर से फोर में जंप कर रहा है तो ब्रैकेट, और हायर से फिफ्थ में जंप कर रहा है तो फंड, पी एफ यू एन डी, हायर से फिफ्थ में जंप कर रहा है तो फंड। तो ये कैटेगराइज कर दिया और कुछ नहीं, अलग अलग सीरीज लाइमन बामर पास्टन। यानी जैसे ही मैंने वर्ड लिया लाइमन मतलब एन वन की वैल्यू वन फिक्स हो गई, बामर बोला तो एन वन की वैल्यू टू फिक्स हो गई, पास्टन बोला तो एन वन की वैल्यू थ्री फिक्स हो गई। तो ये नोमेनक्लेचर है जो किया गया है यहां पर। अब यहां पर और भी बहुत सारी टर्म्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो लाइन्स यहां पर हम देख रहे हैं रेडिएशन जो एमिट होंगे, अगर हम इनकी एनर्जी को वेवलेंथ को या फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करें तो क्या लगता है किसकी ज्यादा होगी? इसकी इस रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? तो एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा होगा? ऑब्वियसली थ्री से वन का एनर्जी डिफरेंस, थ्री से वन का, थ्री से टू नहीं, थ्री से वन, टू से वन में एनर्जी डिफरेंस किसका ज्यादा होगा? थ्री से वन, फोर से वन का एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा होगा, फाइव से वन का और ज्यादा होगा, तो इन्फानाइट से वन का तो और ज्यादा होगा। तो आप ये मान कह सकते हो कि जो इन्फानाइट से वन है, इन्फानाइट से वन वो जो जंप होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यहां पर अगर हम टर्मिनोलॉजी लिखें तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और इसको बोला जाता है लास्ट नाइन। यानी इंफिनिटी से अगर वन का जंप हो रहा है तो इसे बोला जाता है लास्ट नाइन, और टू से वन इसे बोला जाता है फर्स्ट नाइन। हाँ, ये लाइमन सीरीज के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऑफ लाइमन सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज, ये दोनों ही चीजें लाइमन सीरीज के। इवन आप ये कह सकते हो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ निकालो, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन कौन सी हुई? टू से वन, तो सेकंड लाइन कौन सी हुई? थ्री से वन, तो थ्री से वन अगर जंप हो रहा है तो उस लाइन की क्या निकालो? वेवलेंथ। थर्ड लाइन की वेवलेंथ, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, तो ये हम निकाल सकते हैं। यही इसी तरह की टर्म बामर में भी डिफाइन होगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। जैसे यहां पर थ्री से वन का अगर जंप है या लेट्स से फोर से टू का जंप है तो इसे क्या कहोगे? सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। हाँ, यहां पर अब हम और क्या कह सकते हैं? लाइमन सीरीज में इसकी एनर्जी सबसे कम है और लास्ट लाइन की एनर्जी जो है सबसे ज्यादा है। यानी लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, इसको हम और क्या कह सकते हैं? एनर्जी ऑफ लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन सॉरी लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, लास्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो लाइन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा लेकिन वेवलेंथ कम, तो लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। ये हर एक सीरीज के लिए टर्म्स डिफाइन होगी। और यही अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज,
तो लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। इवन टर्मिनोलॉजी और भी होती है, इसके अलावा भी होती है, जैसे हम सबको पता है इक्वल्स टू वन है तो इसे हम क्या कहते हैं, के शेल एल एम, ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसे बोला जाता है के अल्फा, सेकेंड लाइन को के बीटा और थर्ड लाइन को के गामा, यानी फर्स्ट थ्री लाइन्स को के अल्फा, के बीटा, के गामा। यानी के अल्फा लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन 2-7 में आ रहा है, के बीटा का मतलब 4-7 में आ रहा है, सॉरी 3-7 में आ रहा है, के गामा का मतलब 4-7 में आ रहा है। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा, इसी तरह से बामर में कैसे डिफाइन होगी ये लाइन्स, एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा। ये वर्ड्स हो सकता है आपने कहीं पढ़े हो, अगर आप मोजले का स्टेटमेंट पढ़ते हो जो मोजले ने दिया था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की या एटम्स की, जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके मास नंबर की जगह एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ये जो स्टेटमेंट मोजले ने दिया था, ये स्टेटमेंट जो है उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था उनमें ये टर्म्स यूज होती है, के अल्फा, के बीटा, अगर उसका एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें ये टर्म्स यूज होती है, के अल्फा, के बीटा। खैर वो अलग पार्ट है, हम उस पर नहीं जा रहे, बट हाँ के अल्फा लाइन मतलब सीधा सीधा 2-1, के बीटा लाइन मतलब 3-1। तो ये तो जस्ट मैंने टर्म्स आपको बताई, लाइमन सीरीज क्या होती है, बायमन सीरीज क्या होती है, फास्टन सीरीज क्या होती है, ये मैंने आपको मतलब बताया कि हाँ ये वर्ड्स अगर यूज हो, क्योंकि वेवलेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर में आ रहा है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो किस वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, किस फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, किस एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उनका कुछ नेमिंग कर दी गई कि उन फोटोन्स को आप कुछ नाम दे सकते हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर बदल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन चलिए यहां पर कुछ और कैलकुलेशंस भी करते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये तो सब मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है, सीरीज लिमिट भी वर्ड यूज किया जाता है। सीरीज लिमिट मतलब फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को कहा जाता है सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट का मतलब फर्स्ट लाइन एज वेल एज लास्ट लाइन। अब यहां पर थोड़ी और कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए इन लाइन्स की कुछ वेवलेंथ निकालेंगे। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, इसे अच्छी से हेडिंग पुट कर दीजिए और फिर लिखे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, जैसे ही मैंने कहा लाइमन सीरीज, एन वन इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और एन टू की वैल्यू 2-3-4 कुछ भी हो सकती। अब आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी। रिडबर्ग इक्वेशन को यूज कर, रिडबर्ग इक्वेशन यूज कर लेना क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होगी थोड़ी, और उसमें भी 1/RH की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं आप, 912 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की आपको वेवलेंथ निकालनी है फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी Z की वैल्यू कितनी होगी 1।
चलिए करके देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन, चलिए पहले ऐसे लिखता हूं, वन अपॉन लैम्डा आर एच हाइड्रोजन है तो जेड तो हो गया वन, वन अपॉन वन वन अपॉन फोर, तो लैम्डा इक्वल्स टू वन अपॉन आर एच, इसकी वैल्यू 900, 12 एंगस्ट्रॉम, उल्टा कर दिया तो 3 अपॉन 4 बाय 3, 4 बाय 3, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन के लिए ऐसे लिख देता हूं 91 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये तो गया 0, लास्ट लाइन की 912 है। तो फर्स्ट और लास्ट लाइन की वेवलेंथ 912 से 1216 है। विजिबल रेंज की क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम बताइए, नहीं। विजिबल रेंज के लिए हमने जो वेवलेंथ डिस्कस की थी वो 4000 एंगस्ट्रॉम थी, और ये 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, वेवलेंथ कम यानी एनर्जी ज्यादा। तो ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो उसमें कहाँ लाई करेंगे, मतलब एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, क्या है, तो इनकी जो एनर्जी है यानी वेवलेंथ जो है वो विजिबल से कम है यानी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा तो क्या आता है, ज्यादा एनर्जी विजिबल से ज्यादा क्या होती, यूवी एक्स रेज और गामा, बट मैं आपको तो गामा और एक्स रेज की तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये किस में लाई करेंगे, यूवी में, तो लाइज इन, एंड ये जो रेडिएशन है लाइज इन, या इसको पूरा सेंटेंस ऐसे लिख सकते हो, फॉर हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज रेडिएशन, फॉर हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज रेडिएशन lies in UV range of spectrum, UV range of spectrum बामर के लिए रखो, बामर सीरीज एन वन इक्वल्स टू टू और एन टू इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव, फर्स्ट लाइन फोर माइनस नाइन। फास्ट कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको देख लो, 912 9 माइनस 4 5 4 9, उल्टा करेंगे तो 912 4 × 9/5। हमें सारे पहले सेकेंड लाइन की अगर निकालने तो पता है क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन में क्या होगा, 4 से 2, तो ये तो ही देगा 4 से 2, ये 9 की जगह 4 16 आ जाएगा, इस 9 की जगह 16, तो 4 × 16, और ये क्या था 9 - 4 यानी डिफरेंस, तो यहां पर डिफरेंस, चलिए यहां पर अभी हम सारी लाइंस क्यों निकाल रहे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वैल्यू आएगी 6566.4। सेकेंड लाइन की अगर हम निकालें, सेकेंड लाइन के लिए आएगी 4864 एंगस्ट्रॉम, ये भी विजिबल में, ये भी विजिबल में, ये भी विजिबल में लाई करे, ये भी विजिबल में लाई करे। थर्ड लाइन 912 4 ही आएगा, थर्ड लाइन 5 से 2 विच इज 25/21, ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगी 4342। फोर्थ लाइन 912 4 × 6 36/32,
ये वैल्यू 4104, और फिफ्थ लाइन की अगर हम निकालेंगे तो 9124 × 49/45, और ये वैल्यू अब आती 3972, जो कि 4000 इंगस्ट्रॉम से कम है। तो अब देखिए, कोई बहुत क्लियर कट डिमार्केशन तो नहीं होता है कि एग्जैक्टली 4000 इंगस्ट्रॉम ही होता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बामर सीरीज की फर्स्ट फोर लाइंस जो है वो विजिबल में लाइक करती है, फर्स्ट फोर लाइंस विजिबल में लाइक करती है। सारे रेडिएशंस तो उसके भी विजिबल में लाइक नहीं करते हैं, बट कुछ बुक्स में लिखा ऐसे ही लिख दिया जाता है कि बामर सीरीज के रेडिएशंस विजिबल में लाइक करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी नहीं डिफाइन करते कि फर्स्ट फोर लाइन, सिंपली स्टेटमेंट लिखा होता है कि बामर सीरीज के रेडिएशंस जो है विजिबल रेंज में लाइक करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, बट प्रिसाइसली बोला जाए तो फर्स्ट फोर लाइन्स ही लाइक करती है। तो लिख सकते हो स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ बामर सीरीज लाइज इन विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन 9124 की जगह 9 3 से 4 16 / 16 = 7। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 18720, और लास्ट लाइन की अगर हम बात करें 9129 ही आएगा, विच इज 8208, जिसकी वेवलेंथ भी विजिबल से ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा यानी एनर्जी कम, ये किसमें लाइक करते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और यूवी, इनकी रेंज बहुत बड़ी होती है, विजिबल की रेंज बहुत छोटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए आप कह सकते हो बाकी के जो पास्चेन ब्रैकेट, इन सबको हम इंफ्रारेड ही बोलते थे, पास्चेन ब्रैकेट, इनके सारे रेडिएशन इंफ्रारेड में। बामर के लिए मैंने बताई दिया, लाइमन जो है वो यूवी रेंज, तो ये सब हमने हाइड्रोजन के लिए डिस्कस किया, बाकी और के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो थोड़ी लैंग्वेज वाली बात होती है कि लैंग्वेज को हमें सही से समझना होगा, प्रॉपरली ध्यान देना होगा कि क्या वर्ड्स है, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, पास्चेन सीरीज की वेवलेंथ, तो ये वर्ड्स हमें समझ में आने चाहिए। ओके, तो अगेन इसमें भी और भी पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है, और भी कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आज के लिए यहीं तक हम करते हैं कि लाइन्स स्पेक्ट्रम्स में लाइन्स का मतलब क्या, उनकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, बोहर मॉडल, इनके फॉर्मूले हमने डिराइव किए, तो इससे आगे फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क करते रहिए। हाँ, मैं फिर से बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे रियल केस में भी शीट में कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां पर भी जब वैन डर वाल इक्वेशन आती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, सिमिलरली यहां पर भी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अच्छी इवन यहां पर आप देख सकते हो, ये तो ठीक है, मेरे पास लिखे हुए थे तो मैंने फटाफट लिख दिया। हाँ, लेकिन जैसे फ्लो आना चाहिए, जैसे मुझे ये समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, तो ये आसान हो गया, तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा, आपको भी उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि आदत हो जाए, कैलकुलेशन कैसे कम करनी है वो चीजें हैं, वो हमें पता होना चाहिए, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। शीट सॉल्व करते हुए आंसर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेटर से कर लीजिए, बट मैं आपको कहता हूँ कि ये चैलेंज है, बिकॉज आजकल का जो जेई में पेपर्स आ रहे हैं, जेई मेंस के भी जो पेपर्स देखे गए हैं, उनमें कैलकुलेशन अच्छी खासी कैलकुलेशन आ रही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं, जेई मेंस का आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पूरा, या आप कैलकुलेशन में एरर कर दोगे, आपको आता हुआ क्वेश्चन है लेकिन आपकी कैलकुलेशन के कारण वो गलत हो जाएगा। तो ये वो पार्ट है जिसमें आपको कैलकुलेशन मिल रही है। जनरली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ, अलग से कुछ क्वेश्चंस लिखो पहले, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इस तरह के क्वेश्चंस लिखो, तो वहां प्रॉब्लम क्या है, पहले क्वेश्चन बनाओ फिर उनको सॉल्व करो, जबकि यहां पर तो आपको बने बनाए क्वेश्चंस मिल रहे हैं।
बने बनाए क्वेश्चंस, यानी रियल क्वेश्चंस जिसे आप कह सकते हो, तो और अच्छा ना, आपको क्वेश्चंस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो डायरेक्ट इनकी प्रैक्टिस करो ताकि कैलकुलेशन यानी स्पीड बढ़ पाए। तो इस चैप्टर में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सीखना ही है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, ये ध्यान रखना। हर एक टॉपिक में ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि और कुछ नहीं है। अच्छी बात पता क्या है, यहाँ कहीं लॉग की वैल्यूज नहीं आएगी, तो बिकॉज लॉग की वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते, तो इस चैप्टर में क्या है, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस है, तो वो कैलकुलेशन स्पीड जो है वो आपकी बहुत अच्छी आप इस चैप्टर के थ्रू कर सकते हो। तो चैलेंज की तरह लो, हाँ एग्जैक्टली आंसर पीछे से नहीं मैच करा तो हो सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत डेटा इधर उधर हो जाए तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।